नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे आपके अपने ऑनलाइन संस्था टारगेट विद आलोक में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे। लंबे समय का इंतजार आपके अब खत्म हो चुका है। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में कहा, वो बातें बार बार कहने का मतलब ये होता है कि आपको बस मैं जगाना चाहता हूं कि मेहनत कर लीजिए। टीएसटी में इंटरव्यू भी नहीं है, अच्छे से मेहनत करिए, अपनी चीजों को प्रैक्टिस करते रहिए। समय पर्याप्त है ये कहना सच होगा कि नहीं, ये आप हमसे ज्यादा बेहतर से जानते हैं। हर दिन, हर समय, हर क्षण हमारे लिए जरूरी है, और हमें कुछ बनना है तो स्ट्रेटजी डेवलप करिए। स्ट्रेटजी कैसी होगी वो मैं बैच में बताऊंगा कि कैसे आप कम समय में अपने टीजीटी में या पीजीटी में अपने 70% क्वेश्चन 2 महीने या 3 महीने में श्योर हो जाएंगे। लास्ट क्लास में हमने ताम्रपाषाण काल के बारे में आपको बताया था और उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण स्थलों की जानकारी दी थी। आज हम जो शुरुआत करेंगे वो भारत के इतिहास की पहली नगरीय क्रांति है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी संस्था में टीएसटी पीएचटी का बैच इस समय धुआंधार रूप से चल रहा है। आप कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर से जाकर टारगेट विद आलोक का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां पर आप फिर क्या कहते हैं वाई वीडियो को सर्च करिए, आपको सारी चीजें वहां उपलब्ध हो जाएंगी और नीचे स्क्रॉलिंग में नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं, आपको हमारे संस्था के द्वारा सारी जानकारियां दी जाएंगी। खैर, ये सब चीजें आप खुद कर लीजिएगा, मेरा काम पढ़ाना है और आपका काम पढ़ना है और हमें सेलेक्ट होना है। तो जैसा कि हड़प्पा सभ्यता, ये एक ऐसा आम टॉपिक है, आम कहने का मतलब क्या है कि मैंगो नहीं, ये एक ऐसी टॉपिक है जिसे हर इंसान, हर बच्चा बच्चा जानता है, पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि यहां से हर साल एक या दो सवाल आपको मिलते हैं। स्ट्रेटजी हम बताएंगे, टॉपिक में कितना क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट में क्या कितना पढ़ना है, अभी नहीं, कुछ खत्म तो हो पहले। अगली चीज क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या है बात किया जाए, एकदम नॉर्मली बात करते हैं। जैसे समझ लीजिए कि आप टीचर हो गए हैं और आप एक नर्सरी के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। हमें कुछ नहीं आता हड़प्पा क्या है। किसी ने पूछा कि सर हड़प्पा क्या है, हड़प्पा हड़प्पा स्थान है, ओ वेरी गुड। नहीं, हड़प्पा स्थान जरूर है, लेकिन ये सभ्यता इतनी जरूरी क्यों है हमारे इतिहास में? हजारों हजारों ईसा पूर्व की पाई गई ये सभ्यता आज हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमारी प्रथम नगरीय क्रांति या भारत की पहली नगरीय सभ्यता जो थी वो क्या थी, हड़प्पा सभ्यता थी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि सर ये बताइए कि जैसे हड़प्पा जमीन के नीचे है, खुदाई करेंगे पता कैसे चलेगा? भाई सपने में तो आया नहीं होगा कि नीचे कुछ दफन है और आइए खोदते हैं, निकालते हैं, बड़ी सी सभ्यता बाहर निकल के आई जिसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, ऐसा तो होगा नहीं। कहानी कुछ इस प्रकार से चालू होती है। ठीक, पहले बताता हूं मैं कि जानकारी कैसे मिली, फिर इसकी डेट में इतना कंट्रडिक्शन क्यों है, वो विदेशी स्वदेशी मत के उद्भव के बारे में बताता हूं, तमाम चीजें आज मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है नगरी सभ्यता भी इसकी आज पढ़ाऊं आपको, इनके नगर नियोजन के बारे में बताऊं। तो शुरुआत ऐसे करते हैं, सवाल क्या होता है कि भारत के इतिहास में जो सबसे पहली नगरीय क्रांति होती है वो नगरीय क्रांति होती है आपकी हड़प्पा सभ्यता, लेकिन बहुत पुरानी सभ्यता है, जमीन के नीचे दफन है, पता कैसे चलेगा, जानना तो आवश्यक है। अब चलिए कि एक बार क्या हुआ कि 1826 में चार्ल्स मैनसन नामक एक व्यक्ति थे, चार्ल्स मैनसन, उन्होंने ऐसी कुछ जानकारी दी कि जमीन के नीचे कुछ है, आप इसको चाहे तो खोज सकते हैं, बहुत बड़ी चीज मिल जाएगी। देखिए, किताबी भाषा को नहीं पढ़ना, किताबी भाषा मतलब वो होते हैं, वो क्वालिफाई करके जाते हैं जो बिना पढ़े क्वालिफाई होते हैं, बाकी आप समझदार हैं। समझना कैसे, चार्ल्स मैनसन ने 1826 में कहा कि जमीन के नीचे कुछ है भाई, आप चाहे तो निकाल लीजिए। लोगों ने उनकी बात को ध्यान ही नहीं दिया, ऐसे ही बोल रहे हैं। 1853 में फिर अलेक्जेंडर कनिंघम को ऐसी ही कुछ चीजें मिली, तब भी उनकी बातों पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। 1856 में क्या हुआ कि ब्रंटन ब्रदर्स थे, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन,
कराची में रेलवे लाइन बिछा रहे थे, ये रेलवे लाइन, ठीक है, क्योंकि 1853 में भारत में रेल इंट्रोड्यूस हो गई थी। तो 1856 में क्या हुआ कि ब्रंटन ब्रदर्स जो थे वो कराची में रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो रेलवे लाइन बिछाने के लिए उनको ऐसे ईंटों की आवश्यकता हुई। तो ये टीला शब्द एक आपको इस चैप्टर में आएगा, टीला, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला। टीला मतलब क्या होता है, कोई चीज ऊंचाई पर बना होता है उसे हम टीला कहते हैं, जनरली बोलचाल की भाषा। तो लाइन बिछ रही थी, मजदूरों ने कहा साहब ईंटा चाहिए, तो ब्रंटन ब्रदर्स ने कहा जाओ वहां खोद लो मिल जाएगा। वहां पर खुदाई हुई तो ईंटों के शेप एंड साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस पाया गया, लाइन बिछाते वक्त कुछ दिक्कतें भी हुई। तो उन्होंने भी इस बात की बताया कि भाई जमीन के नीचे कुछ है यार, देखा जाए, पर सब नजरअंदाज कर दिया। उस समय तो 1857 की क्रांति हुई और सब भारत पर शासन करने का पूरा, अंग्रेजों की अस्त व्यवस्था कंपनी की नष्ट हो गई थी, इतना कोई खुदाई उदाई पे ध्यान नहीं दे रहा था। अब हड़प्पा खत्म। फिर अलेक्जेंडर कनिंघम ने प्रयास किया 1873 में अपने दम पे। उन्होंने जब वहां पर दोबारा शोध किया 53 के बाद 73 में, तो उनको वहां से मुहरें मिली, ईंट मिला, छोटे छोटे धातु की चीजें मिली, तो वो श्योर हो गए कि एक बहुत बड़ी चीज इस जमीन के नीचे पे है। और जब उन्होंने उस चीजों को दिया और उन चीजों पे शोध हुई, तो एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा ये कहा गया कि यहां पर जो चीज बसी है वो सिकंदर के समकालीन की है। लेकिन कर्जन ने भारत में क्या हुआ, पुरातत्व विभाग की नींव रख दी और वहीं से खोजबीन चालू हो गई। मार्शल के शासनकाल में क्या हुआ, शासनकाल नहीं, जब मार्शल आए तो मार्शल के ने दयाराम साहनी की सहायता की और 1921 में एक बहुत बड़े पुरास्थल को खोजा, जिसको हम क्या कहे, हड़प्पा कहे। तो कहानी ऐसे चालू होती है कि 1826, 1853, 1856, 1873 में जाकर लोगों ने सीरियस लिया और 1905 के बाद लोग सीरियस हो गए, क्योंकि यही रीजन है कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने उन तमाम चीजों को ला कर दिया था। इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पिता भी कहा जाता है। अब जानकारी मिल गई, अब हमें खुदाई तो करनी ही करनी थी। तो फिर खुदाई चालू हुई टीले की, तो देखा गया परत दर परत के नीचे चीजें बनी हुई हैं। जैसे चन्हूदड़ों में तीन परते में चीजें हुई, तो इतिहासकारों ने कहा कि यह शहर तीन बार उजड़ा होगा, तीन बार बसा होगा। जैसे मान लीजिए कि चाकू भोका गया किसी को, पोस्टमार्टम पता चल रहा है कि यार 5-6 छुरा मारा गया है, लेकिन पहले से भी एक घाव है। तो जब टीले की खुदाई होना चालू हुई तो चीजें मिलनी चालू हुई और देखा गया कि हर खुदाई के बाद एक नई चीज पाई जा रही है। और इसी के बाद से भारत में उत्खनन जो है, पाकिस्तान में यह उत्खनन जिस हड़प्पा सभ्यता का है वो बृहद रूप से फैल गया। तब जाकर हमें एक चीज मिली, उसे हमने क्या कहा, हड़प्पा सभ्यता। तो आइए आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं, किसकी, हड़प्पा सभ्यता की। अभी हम डेट के बारे में नहीं बताएंगे, हम पहले सारे मतों को आपसे क्लियर करेंगे, तब जिस मत पर सर्वाधिक मत है तब वहां पर हम आपको इस डेट के बारे में बताएंगे। हमने पहला पॉइंट क्या किया था, हाँ देखिए दोस्तों, हमने एक चीज देखा है कि आप लोग सोचते हैं कि ऐसे लेक्चर दे दिया जाए पीडीएफ से पढ़ने, लेकिन जब स्कूल में पढ़ाने जाएंगे आप तो बच्चों को लेक्चर देंगे तो समझने के लिए, फिर आप उनके लिए लिखेंगे, कहेंगे बेटा लिख लो, होमवर्क भी दे रहा हूं। तो आज हम वही क्यों ना बन जाते हैं जो हम कल जाकर बनेंगे। जब तक हम कोई चीज अपने ऊपर नहीं अप्लाई करते, हम दूसरे के ऊपर कैसे करते। इसीलिए नोट्स बनाइए, और ये नोट्स आपको हमेशा महत्वपूर्ण योगदान देगा दोस्तों, या मैं रहूं या ना रहूं ये बात याद रखिएगा, ठीक, प्लीज नोट्स बनाइए। हमने क्या कहा, सर्वप्रथम इस सभ्यता के बारे में जानकारी ईस्वी में
चार्ल्स मैनसन ने दिया था। 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी इसकी जानकारी दी कि भाई जमीन के नीचे कुछ है। अठारह में ब्रंटन ब्रदर्स ने, विलियम ब्रंटन, जॉन ब्रंटन नाम था इनका, ब्रंटन ब्रदर्स ने ईंटों की आवश्यकता के लिए टीले की खुदाई की। तीनों इंसिडेंट हुआ, भारत में गर्मा गर्मी का माहौल था, 1853 क्रांति भी इसी के बाद हुई, तो इसीलिए इन लोगों की बातों को क्या हुआ, ध्यान नहीं दिया गया। फिर क्या हुआ, 1873 में कनिंघम ने पुनः वहां पर सर्वेक्षण किया, या पुनः, हाँ सर्वेक्षण ही लिख लीजिए, पुनः वहां पर सर्वेक्षण किया और इन्हें मुहर, ईंट और धातु की कुछ चीजें मिली। ठीक, इतना नोट्स में लिखिए फट से। चलिए ठीक, इनको ये जो सारी चीजें हैं, इनको एक बार यहां पर भी मिल चुकी थी, 53 में भी, लेकिन जब 53 की बातों को मान ही नहीं करना है तो उन चीजों को वहां डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। एक स्मार्ट इंसान वो नहीं होता है जो सारी चीजें पढ़ता है, एक स्मार्ट इंसान वो होता है जो जरूरत की चीजें पढ़ता है। फिर क्या हुआ कि कर्जन के काल में पुरातत्व विभाग का गठन हुआ और सर्वेक्षण चालू कर दिया गया। क्योंकि ये जो सर्वेक्षण किया गया, पुरानी चीजों को खोजा गया पुरातत्व विभाग के द्वारा, ये अलेक्जेंडर कनिंघम की बातों को आधार बनाकर खोजा गया। यही रीजन है कि अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का या पुरातत्व विभाग का पिता कहा गया। चलिए बहुत बढ़िया, हड़प्पा की जानकारी हो गई, हड़प्पा की जानकारी हमको अब हो गई। अब हम क्या करें, अब यह करना है कि भाई हड़प्पा की जानकारी हो गई, यहां से लिपि मिल गई, थोड़ी बहुत मुहर मिल गई, अब हम करें क्या, नाम भाई कुछ तो बताना पड़ेगा। क्योंकि यहां पर सबसे बड़ा क्लाइमेक्स आता है कि हड़प्पा जो है वो आद ऐतिहासिक युग में आता है। आद ऐतिहासिक मतलब लिखी हुई लिपि का विकास तो है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। यही रीजन है कि हम अपने इतिहास को तीन युगों में बांटते हैं, प्रागैतिहासिक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक युग, कहिए काल नहीं, प्रागैतिहासिक युग, आद ऐतिहासिक युग और ऐतिहासिक युग। प्रागैतिहासिक युग कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि जिस काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले, जैसे पाषाण काल, ताम्रपाषाण। आद ऐतिहासिक युग कहने का मतलब होता है कि लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं गया, और भारत में पहली बार लिपि का विकास हड़प्पा से माना जाता है लेकिन उनकी लिपि को पढ़ नहीं पाए। काहे नहीं पढ़ पाए, क्योंकि वो चित्रात्मक थी, चित्र बनाते थे। जैसे मान लीजिए कि बोर्ड पे हम ऐसे मछली बना दिए, टी बना दिए, यू बना दिए, सांप बना दिए, ऐसे कर दिए, और हमने आपसे पूछा क्या लिखा है, आप कहेंगे सर तो पता नहीं सर क्या लिखा है सर, शायद आप आज आप ठीक नहीं है, आपकी तबीयत खराब है। यही चीज हुई हड़प्पा के साथ, उनकी लिपि को हम पढ़ ही नहीं पाए। अब उनकी लिपि को हम पढ़ नहीं पाए,
इसीलिए हम उनको आदि ऐतिहासिक युग में रख दिए। इस लाइन को दिमाग में बैठाए रहिएगा कि हड़प्पा की लिपि को हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। फिर तीसरा युग आता है जिसको ऐतिहासिक युग कहते हैं, जिसमें लिखा हुआ भी मिला है और पढ़ा भी गया है। तो जो अगला निष्कर्ष निकल के आया, जब हमको लिपि प्राप्त हुई तो हम इतिहास को तीन युगों में बांटना चालू किए। तो ये इतिहास के जो तीन युग हैं, पहला है प्रागैतिहासिक, पहला है प्रागैतिहासिक युग, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक युग, और तीसरा है ऐतिहासिक युग। तो हमने क्या कहा कि जिस काल में कोई भी लिखित साक्ष्य ना मिले, कोई भी लिखित साक्ष्य ना मिले, ठीक। अब आप पूछेंगे कि सर इसमें कौन कौन सा काल आता है? तो इसमें आता है आपका बाबू पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल, दूसरा है लिखा हुआ मिला है पर पढ़ा नहीं गया। लिखा हुआ मिला है मतलब लिपि का विकास हुआ है लेकिन पढ़ नहीं पाए, तो इसमें आपका जाता है दोस्तों हड़प्पा। और एक और आता है, वो है ऋग्वैदिक का। तीसरा है ऐतिहासिक, मतलब लिखा भी मिला है और पढ़ा भी जा सका। तो कहने का मतलब हम इतिहास को तीन युग में बांट दिए, प्रागैतिहासिक मतलब लिखा हुआ भी नहीं पाया गया है, और आद्य ऐतिहासिक मतलब लिखा हुआ पाया गया है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, और ऐतिहासिक मतलब लिखा हुआ भी मिला है और पढ़ा भी गया है। तो उत्तर वैदिक से लेकर आज तक के सारे जो समय काल है वो किस में आ जाएंगे? ऐतिहासिक में। चलिए इसको लिखिए फट से। अब क्या हुआ दोस्तों कि एक जगह पे खुदाई हुई हड़प्पा नामक स्थान पे, तो इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। पर धीरे धीरे क्या हुआ कि और जगहों पर जब खुदाई होने लगी तो ये कहा गया यार हर जगह ही मिल रहा है ये, तो क्या हड़प्पा सभ्यता कहना सही रहेगा? समझिए इसका नामकरण कैसे हुआ और आज की डेट में हड़प्पा पर मुहर कैसी है, या हड़प्पा सभ्यता ही नाम पर मुहर क्यों लगाई गई, हम सारी चीजें प्रूफ करते हैं। तो चूंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा में हुई इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। फिर जब खुदाई को आगे बढ़ाया गया तो देखा गया सर्वाधिक सभ्यताएं सिंधु नदी के किनारे, मतलब लगभग 40 बस्तियां खोजी गई और 40 की 40 बस्तियां सिंधु नदी किनारे हुई। तो कहे यार एक काम करिए इसका नाम रख देते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए लेकिन फिर उस काल क्रम को रोकना नहीं है, खुदाई लगातार चलती हुई चली जा रही थी। तो अभी तक लमसम 1400-1500 बस्तियां पाई गई हैं, जिसमें से 1100 बस्तियां सरस्वती नदी के किनारे मिल गई। तो कहा गया अब इसका नाम हो जाएगा सरस्वती सभ्यता। चलिए भी मान लेते हैं। सबसे पहले ताबे में टिन मिलाकर कांसा बनाने की जो कार्य थी या प्रणाली थी उसकी शुरुआत हड़प्पा सभ्यता में हुई, इसलिए इसका नाम कांस्ययुगीन सभ्यता भी रखा गया। चलिए भी मान लेते हैं। सबसे पहले जो नगर का विकास हुआ या नगरीय क्रांति हुई वो हड़प्पा सभ्यता से मानी जाती है, इसके लिए इसको प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। तो अब एक चैप्टर का नाम पांच नाम या छह नाम तो होगा नहीं, मान्य हुआ हड़प्पा सभ्यता। क्यों बताते हैं? तो इस चैप्टर के नामकरण में कैसे कैसे बातें आई, नामकरण
भाई कोई चीज पाई जाती है, कोई बच्चे का जन्म होता है तो नामकरण होता है। पहला नाम आया हड़प्पा सभ्यता। क्यों आया? क्योंकि सबसे पहले यहां पर खुदाई हुई। दूसरा नाम आया सिंधु घाटी सभ्यता। यह नाम जॉन मार्शल ने दिया। किसने दिया है? जॉन मार्शल। क्योंकि जब बस्तियां खोजी जा रही थी हड़प्पा कालीन की, तो बस्तियां जो हैं वो सर्वाधिक किस नदी किनारे पाई जा रही थी? सिंधु नदी किनारे। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? सिंधु घाटी सभ्यता। आगे चलकर देखा गया कि केवल मतलब कुछ ही बस्तियां हैं, 300-350 बस्तियां जो सिंधु नदी किनारे, और लगभग 1100 बस्तियां सरस्वती नदी के किनारे हैं। तो इसीलिए एक और नाम इसका बाहर निकल कर आया, वो नाम है सरस्वती घाटी सभ्यता। इसी काल में पहली बार ऐसे लिख देते हैं, एक और नाम आया इसका कांस्य युगीन सभ्यता। क्योंकि पहली बार इसी काल में तांबा में टिन मिलाकर किसका निर्माण किया गया? कांसा का, मतलब ब्रॉन्ज का। और एक और आता है इसका नाम प्रथम नगरीय क्रांति सभ्यता। क्योंकि जो पहली बार नगर का निर्माण हुआ या प्रथम नगरीकरण जो हुआ भारत में, वो हड़प्पा सभ्यता के समय हुआ। ये नाम मिलते हैं आपके उसके। अब लेकिन बात यहां पर ये आती है कि पांचों नाम तो हम दे नहीं सकते हैं भाई, अब क्या करें। तो इसीलिए पहली हमारे किताबों में चैप्टर का नाम मिलता था सिंधु घाटी सभ्यता। पुरानी किताबों में आप देखेंगे लिखा रहता था सिंधु घाटी सभ्यता, और इंग्लिश में लिखा रहता था इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन नवीनतम किताबों में देखेंगे आपको नाम मिलता है हड़प्पा सभ्यता। क्योंकि 1964 में डीपी अग्रवाल ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक सभ्यताएं सिंधु नदी के किनारे ना मिलकर सरस्वती नदी के किनारे मिली हैं, इसलिए इसका नाम सरस्वती घाटी सभ्यता रखा जाएगा। तो इतिहासकार लोग काफी कंफ्यूज हो गए कि बार बार नाम बदलने से क्या है। सीधा सबसे पहले जिस स्थान पर खुदाई हुई है उसी स्थान के नाम पर हम इस सभ्यता का नामकरण कर देते हैं, और वो सभ्यता का नामकरण किए हड़प्पा सभ्यता। इसीलिए आधुनिक किताबों में इस चैप्टर का नाम हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन मिलता है। क्लियर? आपको बातें समझ में आई? तो यह हुआ हड़प्पा सभ्यता का नाम। लिखना है तो लिख लीजिए, कितने नामों जानते हैं, कोई इतना आवश्यक नहीं है, पर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नामकरण तो हो गया। अब अगली चीज आई कि भाई हड़प्पा सभ्यता की तिथि क्या है, इसकी आयु कब से कब तक मानी जाएगी। कोई लोग अपने 3500 से 1300 कहा, किसी ने 2500 से 1500 कहा, क्योंकि 1500 में वैदिक युग शुरुआत हो गई, किसी ने 2350 से 1750 कहा। तमाम लोगों ने अपने अलग अलग मत दिए। कुछ लोगों ने कहा कि मेसोपोटामिया में उर और किस जैसी सभ्यताओं से, मेसोपोटामिया के अंदर उर और किस नामक सभ्यताएं थी जहां से हड़प्पा कालीन मुहरें पाई गई। तो कुछ लोगों ने कहा कि मेसोपोटामिया के साथ ही साथ इस सभ्यता का विकास हुआ, क्योंकि मेसोपोटामिया सभ्यता सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, अभी आगे बताएंगे आपको। लेकिन वही बात है, सबसे बड़ा सवाल दिमाग में, सर जब हम खुदाई कर चुके हैं, सर जब हमें लिपि मिल गई है, तो लिपि पे कहीं ना कहीं डेट तो मिलेगी, लेकिन बाबू इसकी लिपि तो पढ़ी नहीं जा सकी है। तो जब लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है तो जाहिर सी बात है अलग अलग मत होगा। जैसे एग्जांपल समझिए, ये वॉच है, ये घड़ी है, अगर घड़ी के अंदर में कंपनी का नाम नहीं लिखा है, आजकल तो सबका कॉपी पीस आता है,
ठीक है, अगर घड़ी के अंदर कंपनी का नाम नहीं लिखा है तो कोई कहेगा कि टाइटन की है, कोई कहेगा टाइमेक्स की है, कोई कहेगा सोनाटा की, कोई कहेगा 150 रुपया का सर खरीदे सीके की है, बात समझिए। उसी प्रकार जब हमको लिपि पढ़ ही नहीं पाए तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग खोज को आधार बनाकर अलग अलग चीजों को निकालकर इसके डेट को निर्धारित करना चालू किया। लेकिन जो डेटे चालू ही इसकी निर्धारित वाली वो यहां से हम आपको बताते हैं, इसको हमने थोड़ा सा लिख लिया ताकि डेट गलती ना हो। देखिए, पुरानी चीजों के बारे में जानने की, उनकी आयु जानने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वन एंड मल्ली होती है रेडियो कार्बन डेटिंग। पुरानी चीजों के लिए जानने के लिए, पुरानी चीजों की खोज के लिए हम रेडियो कार्बन डेटिंग का सहारा लेते हैं जिसमें हम C14 का प्रयोग करते हैं। तो रेडियो कार्बन डेटिंग के तहत इसकी जो डेट निर्धारित की गई वो 3500 से 1300 ईसा पूर्व निर्धारित की गई। कितने कितने 3500 से 1300 पूर्व निर्धारित की गई। इसको भी इन्होंने तीन भागों में बांटा, पूर्व हड़प्पा, क्योंकि भाई ताम्रपाषाण काल नवपाषाण काल में भी तो छोटी छोटी सभ्यताओं का विकास हो रहा है, उन्हें भी तो कंसीडर करना है। तो पूर्व हड़प्पा को इन्होंने माना 3500 से 2600 ईसा पूर्व। परिपक्व हड़प्पा, परिपक्व मतलब था कि जब हड़प्पा अपने एक सुनिश्चित मतलब सबसे सुदृढ़ अवस्था में था, उसकी डेट मानी गई 2600 से 1900। और उत्तर हड़प्पा मतलब हड़प्पा के बाद का भी जो समय माना गया कि नष्ट होते होते भी कुछ चीजें बची रही, उनको रखा गया उत्तर हड़प्पा 1900 से 1300 ईसा पूर्व। चलिए, पहली डेट हमारे सामने आ गई। दूसरी डेट मार्टिमर व्हीलर ने दिया है, वो दी है 2500 से 1500 ईसा पूर्व। अब इन्होंने ये डेट क्यों दी, भाई पूछना लॉजिक सी बात बनता है। इन्होंने कहा कि मेसोपोटामिया एक प्राचीनतम सभ्यता है और उर्विस और जो सभ्यताएं मेसोपोटामिया से थी वहीं से हड़प्पा सभ्यता आई है, और इस डेट के बीच में जो मेसोपोटामिया का राजा था सारगोन, उसके शासन काल में क्या था कि हड़प्पा सभ्यता के व्यापार मेसोपोटामिया के साथ अपनी चरम सीमा पर सारगोन के शासन काल में थे, और सारगोन शासक की जो तिथि है वो यही पाई जाती है। इसीलिए इन्होंने कहा कि इसका जो काल निर्धारण है वो मेसोपोटामिया के राजा सारगोन के शासन काल से हम कंसिडर किए। तो इन्होंने बता दिया कि इसकी डेट क्या है, 2500 से 1500 ईसा पूर्व मार्टिमर व्हीलर ने। अगले व्यक्ति थे डीपी अग्रवाल, जिन्होंने 2350 से 1750 इसकी आयु निर्धारित की, और ये जो है यही आयु हमारे आयोग द्वारा सर्वाधिक मान्य है। हमारे आयोग द्वारा जो हड़प्पा सभ्यता की तिथि सर्वाधिक मान्य है वो 1750 से 1750। इन्होंने कहा कि हड़प्पा अपनी परिपक्व अवस्था में 2350 में आया, उसके पहले के समय ताम्रपाषाण काल के थे, उतना विकास हुआ नहीं। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के नाम को हम प्रथम नगरीय क्रांति दे रहे हैं तो मतलब हर जगह नगर का विकास होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि हड़प्पा की तिथि 2350 हुई, 1750 हुई, इसके बाद ये धीरे धीरे नष्ट होने लगी और 1500 में आर्यों का आक्रमण हो गया, जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता की जो एग्जैक्ट तिथि है वो 2350 से 1750 होगी, और यही तिथि सर्वाधिक मान्य भी है। इन तिथियों को लिखिए, फिर आगे और तिथि की बात बताते हैं। अगली तिथि है चौथी तिथि, मान्य वही है 2350 वाला। अगली तिथि है 3250 से 2750। इसको बताने वाले जॉन मार्शल जी हैं। जॉन मार्शल का यह कहना था, क्योंकि भाई हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की इन्होंने खुदाई में दयाराम साहनी और अखलदास बनर्जी की सहायता भी की और सर्वाधिक इसकी खुदाई भी की है, तो इन्होंने कहा कि मोहनजोदड़ो में जो हमने बहुत ज्यादा खुदाई की वो सारे सामानों की जो डेट मिल रही है वो इसी के बीच में मिल रही है, इससे हम हड़प्पा के उद्भव और अंत को नहीं जोड़ सकते। पहले इनकी भी डेट मानी जाती थी, अब नहीं मानी जाती। मैके ने 2800 से 2500 कहा है, MS वस्त ने 3500 से 2500 कहा है, और डेस ने 2900 से 1900 कहा है। डेस की बात थोड़ी क्या आती है कि डेस ने कोट दीजी, आमरी, कालीबंगा, चनूदड़ो, वो तमाम स्थलों को खोजा
जहां से तीन संस्कृतियों की चीज पाई गई, मतलब प्राक हड़प्पा, हड़प्पा के पहले, परिपक्व हड़प्पा और हड़प्पा उत्तर। मतलब जैसे आमरी है, कोटदीजी है, ठीक है, रंगपुर है, ये सब एक ऐसे हड़प्पा स्थल हैं जहां से तीनों कंडीशन की चीज पाई गई है। हड़प्पा के पहले भी इनका विकास था, हड़प्पा के समय भी ये, तो हड़प्पा के बाद भी ये चले आए। जैसे हमने एक जीता जागता उदाहरण आपको दायमाबाद के बारे में बताया था। तो ये हड़प्पा सभ्यता की कुछ तिथियां हैं जो अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा निर्धारित की गई। ये सवाल आपको मिलाप में या कूट में पूछ लेता है या पूछा भी गया है, तो इनको लिख लीजिए, फिर आगे वाले टॉपिक पे हम डिस्कशन करते हैं। अगला मुद्दा ये होता है कि भाई चलो ठीक है, तिथि भी बता दिया आपने, खोज भी लिया, लेकिन इसका उद्भव कैसे हुआ? जैसे कि एक संस्था है, संस्था आई क्यों लोगों के दिमाग में? क्योंकि लोगों को ये लगा कि भाई आजकल विद्यालयों में चीजें थोड़ी सी गड़बड़ा रही हैं, कंपटीशन लेवल काफी टफ हो रहा है, काफी हाई हो रहा है, चीजें बहुत लोग हैं प्राइवेट से पढ़ते हैं, बहुत लोग हैं सरकारी से पढ़ते हैं, नॉलेज में डिफरेंस होता है। तो ये हुआ कि एक संस्था स्थापित की जाए जिसमें बच्चों को संपूर्ण नॉलेज दिया जाए ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल लें। तो एक कोचिंग का उद्भव उन बच्चों को देखकर, हमारे दोस्तों को देखकर या मुझे देखकर लाया गया ताकि हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल लें। तो उसी प्रकार इस सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, आया कहां से? कहीं ना कहीं से एंटी क्लाइमेक्स होगा, कहीं ना कहीं से चीजें आई होंगी। उद्भव के बारे में दो मत आते हैं, स्वदेशी मत, मतलब जो हमारे देश के, और विदेशी मत, जिन्होंने यह कहा कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव दूसरे देश से हुआ है, उसमें विदेशी मत के नाम से जानते हैं। जिन्होंने यह कहा कि हड़प्पा सभ्यता का उदय स्वदेशी मत से हुआ है, मतलब हमारे देश से हुआ है, उनको स्वदेशी मत कहा गया। इसमें इतिहासकारों की बातें कैसे आती हैं? विदेशी मत में क्रेमर है, गार्डन चाइल्ड है, सांकलिया है, और स्वदेशी मत में फेयर सर्विस है, आलमंद घोष है, डीपी अग्रवाल है। सबकी बातें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। क्रेमर का मानना था कि लगभग 2400 ईसा पूर्व में सुमेराई लोग भारत आए और यहां पर रहने लगे, यहां के जलवायु में परिवर्तित हुए और इन्होंने अपना निवास स्थल बनाया और यहीं से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। तो क्रेमर का मानना था कि सुमेराई लोग भारत आए। अगला मत है गार्डन चाइल्ड का। गार्डन चाइल्ड ने कहा कि जो मेसोपोटामिया सभ्यता है वो विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है और वहीं की सभ्यता से यह सभ्यता ली गई और वहां के लोग आए, यहां पर रहने लगे, तब इसका विकास हुआ। मतलब इन्होंने कहा मेसोपोटामिया से इसका विकास हुआ, क्योंकि सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया सभ्यता। ठीक, सांकलिया का यह कहना था कि बलूचिस्तान से जो चबूतरे मिले हैं, बलूचिस्तान से वो ऊपर की तरफ जाते हुए सरकरे हो जा रहे हैं, मतलब पतले हो जा रहे हैं। सेम ऐसा ही चबूतरा मेसोपोटामिया के जिगुरत से मिला है। तो बलूचिस्तान से जो चबूतरा पाया गया है जो ऊपरी ऊपर जाकर संकरा होता जा रहा है, उसी प्रकार का चबूतरा मेसोपोटामिया के जिगुरत से पाया गया है। तो इन्होंने भी कहा कि हड़प्पा सभ्यता का उदय मेसोपोटामिया सभ्यता से हुआ। किसकी तुलना किए हैं? बलूचिस्तान के चबूतरे की तुलना मेसोपोटामिया के जिगुरस से किए। इन लोगों के अलावा ठीक है और भी लोग थे, मार्शल, व्हीलर और डॉक्टर कौसाम्बी और
मतलब क्रेमर, गार्डन चाइल्ड और सांकालिया के अलावा मार्शल व्हीलर और कौसाम्बी जी थे जिन्होंने ये कहा कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कहां से हुआ है, विदेशी मत से, मतलब विदेशों से हुआ है। स्वदेशी मत में फेयर सर्विस ने कहा है कि जो बलूचिस्तान की सभ्यता है, जैसे रानी घुंडी, आमरी, कोड़दी जी, ये सब सभ्यताएं हड़प्पा के पहले से चली आ रही थी और धीरे धीरे इनका विकास हुआ और उसी विकास को हड़प्पा वाले ने खुद में अपना लिया। तो इसीलिए जो ये मजबूत कड़ी इन्होंने दिया, इन्होंने मजबूत कड़ी ये दी कि पहले की कुछ सभ्यताएं थी, हड़प्पा के पहले की कुछ सभ्यताएं थी जो धीरे धीरे विकास, जैसे इनाम गांव, दैमाबाद नगरी सभ्यता होती जा रही थी। तो जैसे रानी घुंडी में भी है, चार्ट में बताएंगे आगे चल के अगली क्लास में, रानी घुंडी है, ठीक, कोड़दीजी है, आमरी है, तो ये सब सभ्यताएं प्राक हड़प्पा सभ्यताएं और इन्हीं से धीरे धीरे परिपक्व हड़प्पा का विकास हुआ। मतलब हड़प्पा सभ्यता कहीं से लिया नहीं गया, हड़प्पा सभ्यता का विकास भारत में पुराने शहरों को आधार बनाकर किया गया, इनकी बातें मान ली गई। आलमंद घोष ने कहा कि सोथी संस्कृति, समझिए, सोथी संस्कृति और कालीबंगा जो कि हड़प्पा स्थल है, सोथी संस्कृति जो है ये हड़प्पा के पहले की है, तो इन्होंने सोथी संस्कृति के साथ साथ कालीबंगा का खोज किया और दोनों जगह से एक समान की चीजें, मतलब एक ही तरह की चीजें पाई गई। तो इन्होंने कहा, आलमंद घोष ने, हड़प्पा सभ्यता का विकास किससे हुआ है, सोथी संस्कृति से हुआ है और इसी बात को मान्यता किसने दिया है, डीपी अग्रवाल ने भी। मतलब सोथी संस्कृति से जो वस्तुएं पाई गई उसी प्रकार की वस्तुएं कालीबंगा से भी पाई गई हैं, तो इनका यह मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास सोथी संस्कृति से हुआ। ये सब मतों के बाद सबसे बड़ी चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा मेसोपोटामिया से, इन्होंने कहा हमारी सभ्यता, यही सभ्यता मान्य है। अब समझने की बात है, मेसोपोटामिया सभ्यता उर और किस तमाम चीजों से आई हुई, मतलब नहीं। मेसोपोटामिया सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है, इस बात की बात एकदम सही है, लेकिन मेसोपोटामिया सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दोनों अलग अलग हैं दोस्तों। रीजन, मेसोपोटामिया सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी लेकिन हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। मेसोपोटामिया में कच्ची ईंटों के मकान पाए गए लेकिन हड़प्पा सभ्यता से अधिकतर पक्की ईंटों के मकान पाए। मेसोपोटामिया पितृ सत्तात्मक समाज था लेकिन हड़प्पा सभ्यता मात्र सत्तात्मक समाज था। मेसोपोटामिया से मंदिर के साक्ष मिले हैं, हमारे यहां मंदिर के साक्ष नहीं मिले। तो अगर हमारी सभ्यता का उद्भव मेसोपोटामिया से हुआ तो ये सारी समानताएं पाई जानी चाहिए, पर ऐसी समानताएं नहीं पाई गई, इसलिए हम कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव सोथी संस्कृति से हुआ है। मतलब हड़प्पा सभ्यता हमारे देश की ही क्या है, सभ्यता है। क्लियर, उम्मीद करता हूं आज की क्लास में आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में समझ में आया होगा। जल्दी से आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, चाहे जहां पढ़िए ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन पढ़ना आपके लिए सर्वाधिक जरूरी है। आप चाहे यहां पढ़िए, चाहे दिल्ली पढ़िए, चाहे अफगानिस्तान पढ़िए, पर आपके लिए पढ़ना आवश्यक है, आपकी नौकरी, आपके लिए, आपके परिवार के लिए आवश्यक है। और ये बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि बात ये हमेशा याद रखिएगा कि जो नोट्स बनाता है वही सफल होता है, ठीक है। और आज से ही तैयारी चालू कर दीजिए, ठीक है, 2 घंटे का टाइम अपना बना लीजिए, 2 घंटे बस पढ़िए, 4 महीना बाद भी एग्जाम हो, 3 महीना बाद भी एग्जाम हो, आपको इनफ समय मिल जाएगा। बाकी स्ट्रेटजी बताने के लिए हम लोग है ही हैं। बाकी हम फिर अगले कड़ी में इसके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।